हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावत रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। इस गुजिया की रेसिपी को आप अगर इसी तरह फॉलो करोगे तो आपकी गुजिया को एक महीने तक स्टोर कर सकते हो, आपके गुजिया खस्ता ही रहेंगे। देखिए हमारी गुजिया कितनी खस्ता बनी है, टेस्टी बनी है, कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। और इस तरह से मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कितनी खस्ता बनी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे जरूर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक बर्तन में ऐड किया है घी 2 टेबलस्पून। हमने यहाँ पे प्योर घी का इस्तेमाल किया है। बर्तन हमारा हल्का गर्म हो चुका है, फ्लेम को हमने लो रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का सा भून लेते हैं, रोस्ट करना है, फ्राई करके लेना है, क्रिस्पी होने तक हम इसे भून लेते हैं और एक प्लेट में निकाल देते हैं। उसी घी में हम ऐड करेंगे 1/2 कप सेमोलिना, यानी कि 1/2 कप सूजी हमने इसमें ऐड किया है, रवा लिया है 1/2 कप बारीक वाला। और ये भी हम हल्का सा भून लेंगे, 4 से 5 मिनट तक हम रवे को भून लेंगे, खुशबू आने तक भूनना है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ड्राई कोकोनट, यानी कि सूखा खोबरा, नॉर्मल वाला जो हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको मैंने ग्रेट करके लिया है और इसका जो ऊपरी जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है ब्राउन कलर का, वो हमने अवॉइड किया है और व्हाइट पार्ट जो होता है वही मैंने ग्रेट करके लिया है। तो अब हम कोकोनट को हल्का सा भून लेते हैं। 1 कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट हमने यहाँ पे लिया है, हल्का सा भून लेना है, हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको भूनेंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। एक परात लिया है हमने यहाँ पे और परात में ही हमने सूजी को भी निकाला है और उसी के साइड में हमने यहाँ पे ड्राई कोकोनट को भी भून कर निकाला है। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ वो जो ड्राई फ्रूट्स था हमारा, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून हमने लिया है इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को। सारी चीजें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर 1/2 कप। पाउडर शुगर के साथ अच्छे से मिक्स करना है। सारन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे मैदा, 250 ग्राम मैदा लिया है हमने, यहाँ पे 1/4 किलो मैदा लिया है। उसमें हमने 1 चुटकी नमक ऐड किया है और नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे मैदे के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे घी। घी लिया है 1/4 कप, यानी कि 1/4 कप घी हमने यहाँ पे लिया है। घी को भी हम मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा घी हमने इसमें ऐड कर दिया है मैदे के साथ, अच्छे से अब मिक्स करेंगे घी को। घी की वजह से देखिए मैदे का कलर भी चेंज हो गया है, इसका मतलब है कि घी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। देखिए मैदे की मुट्ठी बन रही है और इतना अच्छा हमने घी को मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम ऐड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ पानी ऐड नहीं करना है। हमने यहाँ पे 1/2 कप पानी लिया है, लेकिन सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मैदे को गूंद लेंगे। हमें जो डो बनाना है वो सख्त बनाना है, इसको ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है, थोड़ा सख्त ही गूना है डो को। देखिए डो हमारा हमने रख दिया था, आधा घंटा हो गया है और डो हमारा अच्छा सा हल्का सॉफ्ट हो गया है। अगर आपका डो सॉफ्ट नहीं हुआ तो आप हाथों को पानी लगाकर डो को हल्के हाथों से मसल लेना और सॉफ्ट बना लेना।
अब हमने एक पेड़ा लिया है, यहाँ पे छोटा सा पेड़ा लेना है। तो हम सारे पेड़े बना लेते, यहाँ पे हमने बेलने के लिए एक पेड़ा लिया है और इसको बेल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक आटे का पेड़ा लिया और पेड़े को हमने गोल शेप में बेल लिया है और अब हम इसके ऊपर सारन रखेंगे। सारन को हमें एक साइड में रखना है, ज़्यादा हमें इसे सेंटर में नहीं लेना है। और सारन को रखने के बाद हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे, यानी कि इसे ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। और इसके ऊपर हमें इस तरह से सही से सारन को रखना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर साइड को, इसके जो किनारियां है तो उस साइड्स को हमें पानी लगाना है। आप उंगलियों से लगा सकते हैं या फिर ब्रश से भी लगा सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर की जो साइड है बेली हुई उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड के ऊपर हम रखेंगे और अच्छे से उंगली से इसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे, ताकि ये जो हमारी जो गुजिया है ये खुले नहीं है, इसलिए हमें इसे अच्छे से पैक करना है। देखिए, इसे हमने अच्छे से उंगलियों से दबाकर पैक किया है और अब हमने यहाँ पर एक कटर लिया है तो इस कटर से हम इसे कट लगाएंगे। ये इस तरह का जो कटर है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आपको बर्तन की दुकान में मिल सकता है। तो देखिए, हमने इस तरह से इसे कट लगा लिया है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और इसके जो एक्स्ट्रा साइड्स है इसको हमने निकाल लिया है। देखिए कितनी बेहतरीन हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम दूसरी भी बना लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन लग रही है और इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेते हैं और फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन बनी है और कितनी अच्छी लग रही है, आसानी से बना सकते हैं हम इसी तरह। तो हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ पे फ्राई करने के लिए ऑयल रखा है, हल्का ही गर्म हो चुका है ऑयल हमारा, ज़्यादा हॉट नहीं करना है। और एक एक करके गुजिया को हम इसमें डाल देते हैं। जैसे ही गुजिया हमारी सेकने लगेंगी, नीचे से हल्की सी फ्राई हो जाएंगी एक साइड से, तब ये गुजिया हमारी फूलने लगेंगी। अब हम गुजिया को पलट लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। सारी गुजिया को हमने पलट दिया है, अल्टी पल्टी करके इसको फ्राई करना है। फिर से पलट लिया है। देखिए कितने अच्छे हमारी गुजिया फूल चुकी है और कितना अच्छा कलर आ रहा है गुजिया को। फ्लेम को हमने लो ही रखा है, लो फ्लेम पे ही हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो अब हम गुजिया को अच्छे से इसी तरह फ्राई करेंगे और अब हम इसे निकाल देते हैं। कितनी अच्छी और खस्ता बनी है। देखिए हमारी गुजिया कितनी बेहतरीन बनी है। हमने इसे ये प्लेट में सर्व किया है, खाने में बहुत ही मजे की लगती है। तो ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना। ये गुजिया बहुत ही खस्ता लगती है, आप इसे एक महीने तक किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी खस्ता बनी है, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ।
देखिए अंदर की फीलिंग भी कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करना और मुझे कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।